पूजा, मेरे पर्स में 2000 रुपए थे यार, देखे क्या? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो किसको बताओगा? और इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा रहता ही कौन है? मैंने लिए थे। तुमने लिए थे तो फिर अभी मना क्यों कर रही थी? और अगर जरूरत होती है तो सीधे मुंह ले लिया करो ना, ऐसे चोरी छिपे लेने की क्या जरूरत थी यार? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, जवाब भी नहीं देती हो। ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम करती क्या हो यार इतने पैसों का? तुमसे ही पूछ रहा हूं मैं। नहीं बता रही मैं। पूजा, मैंने एक फ्रेंड के पास जा रहा हूं तो आ जाऊंगा 1-2 घंटे में, ठीक है? पैसे रख के जाना 4000 रुपए। क्यों? बिना वजह तुम पैसे दे नहीं सकते हो क्या? हर बार तुम्हें रीजन बताना पड़ेगा। बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन वजह तो बताओ कि पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए। अरे तुम्हें चाहिए वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वजह क्या है? तुम करोगी क्या इतने पैसों का? और कल भी जब तुम पैसे निकाल रही थी तब भी मैंने तुमसे पूछा था, लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया। अरे इतने पैसों का करती क्या हो यार तुम? तुम पैसे दोगे या नहीं? बिल्कुल दूंगा। तुम 4000 मांग रही हो ना, मैं 8000 दूंगा, लेकिन पहले मुझे वजह जाननी है। या मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना कि नौकरानी, हर टाइम तुम्हें मैं हिसाब देती रहूं? यार बच्चों तक को मिल जाता है यार पॉकेट मनी, और मुझे क्या मिलता है? कुछ नहीं। नौकरानी से बदतर कर दी तुमने मेरी हालत। जेल के कैदी को भी मेहनत का हजाना मिल जाता है। बोलने को तो तुमने बोल दिया था ये सब तुम्हारा है, पैसा तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, पर है क्या मेरा? हर टाइम तो मुझे हाथ मिलाना पड़ता है तुम्हारे सामने। इतना बड़ा भाषण दे दिया लेकिन वजह नहीं बताई गई ना तुमसे। देखो कान खोलकर एक बात सुन लो, जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगी ना तब तक मैं तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाला। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं आज के बाद घर का काम नहीं करूंगी, बाहर जाऊंगी, नौकरी करूंगी और घर का खर्चा मैं खुद चलाऊंगी। और तुम्हें भी कहीं काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा खर्चा भी मैं चलाऊंगी। जब भी तुम्हें कोई जरूरत होगी मैं सामान ला कर दूंगी, तुम बाहर नहीं जाओगे। अरे पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो तुम? पता भी है? पागल नहीं हो गई हूँ मैं, तुमने मेरी हालत भिखारियों की तरह कर दी है यार। हर छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हारे सामने हाथ मिलाना पड़ता है कि 1 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, 1000 दे दो, 500 दे दो। अरे मेरा दिमाग खराब मत करो, अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ। जा कहाँ रहे हो? हिसाब मांगा था ना, हिसाब मांगो ना कि मैंने पैसों का क्या किया। उस दिन जो तुमने 2000 दिए थे ना, वो मैंने गाड़ी साफ करने वालों को दिए हैं। सैलरी देनी पड़ती है लोगों को जब वो हमारे पास काम करते हैं। अक्कल तुम्हारे पर्स में 2000 निकाले थे ना, उसका मैंने गैस पाइप ठीक करवाया है। और आज 4000 रुपए मैं खुद के लिए नहीं मांग रही थी कि जाऊंगी शॉपिंग करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी। घर का राशन खत्म हो गया है, जो तुम आज आते हो ऑफिस सर खाने की डिमांड करते हो ना, ये चाहिए वो चाहिए, राशन से ही बनता है वो, पैसों से नहीं। घर चलाने के साथ साथ मैं पैसे बचाकर भी चलती हूँ यार, ताकि हमारे सुख दुख में काम आए, सेव करती हूँ पैसे। पूजा I'm sorry यार, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे नहीं पता था तुम इन पैसों का ऐसे यूज कर रही हो, और तुमने मुझे बता ही दिया होता तो इतनी बात ही नहीं बढ़ती यार, सॉरी। अभी तुम जहां जा रहे थे ना वहीं जाओ, जाओ ना।